जमीन पायो जेलते थकिल केजरीवाल 25 जुलाई पर्यंत तिहार जेले ठिकना हब दिल्लीर मुख्यमंत्री खुरा केलेंकारीत अभियुक्त दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाललै हका सर्वोच्च न्यायालय ईडीर गोचरत अंतवर्तीकालीन जमीन प्रदान करिले केजरीवालक किन्तु जमीन पार पाछतो सीबीआईर आन एक गोचरत कारारुद्ध हो थाकिबलगिया हैछे दिल्लीर मुख्यमंत्री ईडीर ग्रेप्तारीक बेआईनी आख्या दि केजरीवालर आईनजीवी प्रथमे द्वारस्थ हैछिल दिल्ली उच्च न्यायालयत किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय खारिज करिछिल जमीन ईडीर अधिवक्ता विरोधिता करिछिल जमीनर 25 जुनत ईडीर आवेदनर ऊपर भित्ति करि दुजनिया विचारपीठे खारिज करिछिल केजरीवालर जमीन आवेदन इयार पाछत केजरीवालर आईनजीवी विवेक जैने काछचापे उच्चतम न्यायालयर विचारपति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्तर डिविजन बेन्चे शुक्रबार अंतवर्तीकालीन जमीन मंजूर करिले एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे। इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। উল্লেখ যে 25 জুনত তিহাৰ জেলতে সিবিআইৰ এটা দলে জেৰা চলাইছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীক। আদালতৰ পৰাই সিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেজৰিৱালক, লৈছিল জিম্মাটো। সিবিআইৰ স্পষ্ট অভিযোগ কুৰা কেলেংকাৰীৰ মূল কালপ্ৰিট হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কুৰা কেলেংকাৰীত 100 কোটি টকাৰ হৈছিল দুৰ্নীতি। 2021 আৰু 2022 চনৰ ভিতৰত হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে ধন আহৰণ কৰিছিল কেজৰিৱালে আৰু সেই ধন নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিছিল আপে। যদিও সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ইডির গোচরত নথিপত্রবিহীনভাবে কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার অভিযোগ আনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পোয়া হল, কিন্তু সিবিআইর গোচরত জামিন নাপালে আম আদমি পার্টির মুরব্বীয়ে। ইফালে আম আদমি পার্টিয়ে ইডি আর সিবিআইক বিজেপি সরকারের নিজের স্বার্থত ব্যবহার করার পুনের অভিযোগ উত্থাপন করে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কে পাস অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কে খিলাফ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल अधिवक्ता स्पष्ट कर दी 25 जुलाइर भर मुकि आकाश तलले अहार सम्भावना आए अरविंद केजरीवाल। उल्लेख जे निर्वाचन प्रचार चलार न्यायालय जमीन मंजूर करजरीवाल, किंतु निर्वाचन प्रचार पाशते पुनः तिहार जेल उभति जागिया दिल्लर मुख्यमंत्रीगढ़। निज डेस्क रिपोर्ट NB News।